गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद टू ऑल एंड वेलकम अगेन इन योर मैथ्स क्लास। नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, आज हम क्या करने वाले हैं? वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, एंड सी दिस इज पेज नंबर 70। ओके, ओपन योर मैथ्स बुक बेटा फर्स्ट। ओके, ओपन योर मैथ्स बुक फर्स्ट एंड ओपन पेज नंबर 70। ओके, एंड देयर इज द एक्सरसाइज 6.2। ओके, एंड देयर इज अ क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे वही हम सीखेंगे। ठीक है बेटा, सो नाउ ओपन योर मैथ्स बुक एंड लेट्स स्टार्ट विद मी। बेटा फर्स्टली राइट डाउन द डेट। ओके, एंड टूडे इज 11 सेप्टेम्बर 2020 and day is Friday. Okay, and this is your classwork. Okay, and read the question with me beta. Solve the following word problems. इसमें हम इस questions को read करेंगे और read करके इसको समझ के उसको यहाँ पे हम लोग solve करेंगे। ठीक है बेटा, now read with me. Raja and Mohit had 236 marbles each. That means बेटा राजा और मोहित के पास में 236 marbles थे। उन दोनों के पास में 236 marbles थे। Their friend Aman brought 348 marbles more. उनका एक friend Aman 348 marbles लेकर आता है। ओके, हाउ मैनी मार्बल्स वर देयर इन ऑल। तो आपको बेटा बताना है इन तीनों फ्रेंड्स के पास में कितने टोटल मार्बल्स थे। लाइक राजा, मोहित एंड अमन, इन तीनों फ्रेंड्स के पास में टोटल कितने मार्बल्स थे। ओके बेटा, फाइन, अंडरस्टूड, फाइन बेटा। राजा, नाउ सॉल्यूशन। बेटा हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, सबसे पहले हम सॉल्यूशन में एचटीयू लिखेंगे। ठीक है, देन हम यहां से क्वेश्चन के अंदर से ही, ओके, क्वेश्चन के अंदर से ही सेंटेंस को फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट लाइन थी हमारे पास, राजा एंड मोहित हैड 236 मार्बल्स ईच। दैट मींस फर्स्ट राजा के पास कितने मार्बल्स थे? राजा हैड 236 मार्बल्स। ओके, राजा हैड मार्बल्स 236। तो राजा के पास में कितने मार्बल्स थे बेटा? हम 236 अकॉर्डिंग टू देयर प्लेजेस हम एचटीओ के नीचे लिखेंगे। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज मोहित। मोहित हैड मार्बल्स, कितने मार्बल्स थे मोहित के पास भी? मोहित के पास भी सेम मार्बल्स थे जितने राजा के पास थे, लाइक 236। सो अगेन हम लिखेंगे यहाँ पे, मोहित हैड 236 मार्बल्स। ओके, ये ऑलरेडी बेटा बुक में हुआ है, तो हम यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर लिखना है। नाउ थर्ड इज अमन ब्रॉट 348 मार्बल्स। ओके, और हियर इज द प्लस साइन। फाइन बेटा, नाउ अब हमको क्या बताना है, इन सबके पास में टोटल कितने मार्बल्स थे? इन ऑल देयर वर। सो अब यहाँ पे हम इसको एडिशन करेंगे बेटा। ओके, और उसके बाद यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। फाइन, ठीक है, लाइक बेटा 6 + 6 + 8। ओके, सो आपको एडिशन करना तो आता ही है ना, तो अपने फिंगर्स पे आप अपने कैसे करेंगे एडिशन? स्टार्ट कीजिए बेटा। फर्स्ट आपको 6 नंबर लेना है। फर्स्टली वंस डिजिट को हम लोग ऐड करेंगे ना, तो फर्स्ट नंबर 6 है, सो काउंट 1 2 3 4 5 6। ओके, देन 6 + 6, अगेन 6 आपको प्लस करने, 1 2 3 4 5 6। ओके, देन अगेन आपको 8 नंबर प्लस करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहां तक बेटा आया, तो आप यहां तक आपको टोटल काउंट करना है कितना हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके बेटा, देयर इज अ 20। नाउ राइट डाउन हियर 0 नंबर। ओके, 20 का वंस डिजिट हम 0 यहाँ पे लिखेंगे, एंड वी विल कैरी हियर 2 नंबर।
ओके सो नाउ काउंट दीज नंबर्स टेंस डिजिट नंबर फर्स्ट नंबर इज टू ओके वन टू देन आफ्टर टू प्लस थ्री नंबर वन टू थ्री ओके देन प्लस अगेन थ्री नंबर वन टू थ्री ओके देन अगेन प्लस फोर नंबर वन टू थ्री फोर ओके यहां तक हमें टोटल काउंट करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ओके सो राइट डाउन हियर बेटा ट्वेल्व नंबर एंड कैरी हियर वन नंबर फाइन बेटा नाउ एट दीज हंड्रेड प्लेसेस नंबर फर्स्ट नंबर इज वन ओके देन वन प्लस टू वन टू देन प्लस अगेन टू नंबर वन टू ओके देन अगेन प्लस थ्री नंबर वन टू थ्री यहां तक हमें टोटल काउंट करना है ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सो राइट डाउन हियर बेटा एट नंबर ओके सो 820 इज द आंसर ओके सो हम यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे बेटा देयर वर 820 मार्बल्स इन ऑल राजा मोहित एंड अमन के पास में टोटल 820 मार्बल्स थे फाइन बेटा दीज आर द थ्री क्वेश्चंस ओके क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फोर ऑन पेज नंबर 71 ओके पेज नंबर 71 पे क्वेश्चन नंबर टू थ्री एंड फोर है ओके बेटा एंड नाउ वी विल डू दीज थ्री क्वेश्चंस इन योर मैथ्स नोटबुक ओके अब हम ये तीनों क्वेश्चंस मैथ्स की नोटबुक में करेंगे ठीक है बेटा सो ओपन योर मैथ्स नोटबुक एंड कीप योर बुक्स ओपन नियर यू ओके बेटा आपको अपनी मैथ्स की बुक भी अपने साथ में खोल के रखनी है ओके और अपनी मैथ्स की नोटबुक में आप वर्क करेंगे और वन बाय वन जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस कराऊंगी आप क्वेश्चंस को बुक के अंदर ही रीड करेंगे फाइन बेटा बेटा लेट्स स्टार्ट विथ डेट ओके फर्स्टली राइट डाउन द डेट 11th September 2020 ओके बेटा एंड डे इज फ्राइडे and this is your classwork okay and this is unit 6 okay beta and our topic is word problems वर्ड प्रॉब्लम से हम क्या करेंगे बेटा एडिशंस की सम फाइन एंड दिस इज एक्सरसाइज ओके बेटा नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर टू फ्रॉम योर बुक ओके आपकी बुक से क्वेश्चन नंबर टू है नाउ रीड द क्वेश्चन बेटा अब हम यहाँ पे क्वेश्चन रीड करेंगे ठीक है बेटा आप अपने बुक में रीड कीजिए क्वेश्चन मैं बोर्ड पे इसको लिखती हूँ मेरे साथ साथ भी आप रीड कर सकते हैं ठीक है मंजू हैड 112 शेल्स विच शी डिड then picked up
187 more shells. Okay. How many shells had she picked? Okay, beta. Now this is a question. Manju had 112 shells. Manju ke paas 112 shells the, which she picked up at the beach, जो कि उसने एक बीच के पास से उठाए थे. ठीक है बेटा. She then picked up 187 more shells. उसके बाद उसने 187 shells और उठाए. Okay. Now, how many shells had she picked? तो बताना है मंजू ने टोटल कितने शेल्स उठाए, यानी कि कितने उसने पिकअप किए वहां से. ठीक है बेटा. फाइन. सो आपको बेटा एडिशन जब हम करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर, तो हमेशा कुछ चीजों का हम ध्यान रखते हैं कि हमें मालूम पड़े कि यहाँ पे हमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है. तो उसके लिए यहाँ पे बेटा कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक हाउ मैनी टोटल यहाँ पे, या हाउ मैनी मोर. ओके, इस तरह से यहाँ पे वर्ड्स प्रॉब्लम के अंदर लिखा होता है, तो उससे हमें मालूम पड़ता है कि जहाँ पे टोटल वर्ड आ जाए, कि यहाँ पे टोटल वर्ड पूछे हो, दैट मीन्स एडिशन है. ओके, जहाँ पे ये आ जाए कि हाउ मैनी मोर, दैट मीन्स वो भी एडिशन है. फाइन बेटा. नाउ स्टार्ट विथ सॉल्यूशन. नाउ बेटा, मैंने बोर्ड पे आपको समझाने के लिए क्वेश्चन फुल स्टेटमेंट में लिखा है, लेकिन जब आप कॉपी में अपनी नोटबुक में वर्क स्टार्ट करेंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है. ओके, सो आप कैसे करेंगे, लाइक क्वेश्चन नंबर 2 है ये, तो आप क्वेश्चन के फर्स्ट 2 वर्ड्स लिखेंगे एंड क्वेश्चन के लास्ट 2 वर्ड्स लिखेंगे कॉपी के अंदर. ठीक है, लाइक दिस. मंजू हैड, फिर डैशेज मैंने यहाँ पे लगाए हैं, देन शी पिक्ड. ओके, लाइक दिस बेटा. यहाँ से देखो, मैंने मंजू हैड लिखा है, उसके बाद लास्ट के 2 वर्ड्स लिखे शी पिक्ड. ओके, आपको सभी क्वेश्चन के फर्स्ट 2 वर्ड्स एंड लास्ट 2 वर्ड्स क्वेश्चन का लिखना है, उसके बाद आप सॉल्यूशन करेंगे. ओके, लेकिन मैं बोर्ड पे आपको पूरा क्वेश्चन लिखकर बताऊंगी जो कि आपको बुक में रीड करना है. फाइन बेटा. नाउ बेटा स्टार्ट विथ सॉल्यूशन. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. फाइन. नाउ राइट डाउन द स्टेटमेंट बेटा. ओके, मंजू हैड 112 शेल्स. ओके बेटा, क्वेश्चन के अंदर से ही आंसर की स्टेटमेंट हम फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट लाइन के अंदर ही हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है बेटा. मंजू हैड शेल्स. फाइन. हाउ मच शेल बेटा? 112. ओके, फर्स्टली वी विल राइट डाउन हियर HTO. ओके, देन मंजू हैड शेल्स 112. So, write down here 112 according to their places. Okay, beta. Now, second is she picked up at the beach. The statement is she then picked up 187 more shells. Okay, उसने उसके बाद कितने और shells बेटा और लिए, कहां से उठाए उसने, beach पे से कितने और बेटा, 187. So, she picked up more. How many? 187. Fine. Now, first statement is data. How many shells had she picked? उसने total कितने shells उठाए थे? So, उसके बाद total कितने थे बेटा? She had total shells. उसने 2 times shells उठाए थे, तो उसके पास total कितने shells हो गए थे? Okay? So, how many total? यहाँ पे हम इसको addition करेंगे. ठीक है? Now,
वी विल पुट हियर एडिशन साइन. ओके, सॉल्यूशन को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे अब एडिशन का साइन लगाएंगे. ठीक है, नाउ एड दीज नंबर्स बेटा, 112 एंड 187. ओके, सो फर्स्ट नंबर इज 2 एंड 7 अकॉर्डिंग टू वंस डिजिट. ओके, अब हम यहाँ पे 2 में 7 नंबर प्लस करने हैं. एड 2 एंड 7. ओके, 1 2 देन प्लस 7, 1 2 3 4 5 6 7. ओके, सो दे इज द 9 नंबर. ओके, तो 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. ओके बेटा, सो आवर आंसर इज 299 shells. ओके बेटा, फाइन. नाउ बेटा टर्न द नेक्स्ट पेज फॉर क्वेश्चन नंबर 3. ओके, नाउ बेटा रीड द क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम योर बुक. ओके फाइन, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. देयर वर, मेरे साथ साथ आप बेटा रीड कीजिए बुक में से, 397 बर्ड्स ऑन अ ट्री. आफ्टर सम टाइम more birds joined them. So how many birds were there on the tree in total? Okay, so beta, in this question there were 397 birds on a tree. वहां पर एक ट्री के ऊपर 397 birds थे. ओके, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद 597 मोर birds joined them. 597 और birds वहां पर आए, उन्होंने उनको join कर लिया. ठीक है, नाउ हाउ मेनी birds were there on the tree in total? तो आपको बताना है बेटा वहां उस पेड़ पे, उस ट्री के ऊपर टोटल कितने बर्ड्स थे. ठीक है, टोटल आ गए यहाँ पे, दैट मीन्स हमें इस क्वेश्चन में एडिशन करना है. फाइन, स्टार्ट विथ सॉल्यूशन बेटा. ओके, फर्स्ट लाइन इज देयर पर 397 बर्ड्स ऑन अ ट्री. ओके, वहां ट्री पर कितने बर्ड्स थे बेटा, 397. सो फर्स्ट लाइन इज बर्ड्स ऑन अ ट्री. ओके, वहां ट्री पर कितने बर्ड्स थे, टोटल कितने थे बेटा, 397. 397. ओके, नाउ नेक्स्ट इज आफ्टर सम टाइम 597 मोर बर्ड्स ज्वाइन देम.
कुछ समय बाद 597 बर्ड्स ने उनको और ज्वाइन कर लिया. सो मोर बर्ड्स. How many बेटा? 597. Okay. Now, next line is how many birds were there on the tree in total? So आपको बताना है वहां पे total कितने birds थे बेटा. Total birds on the tree बेटा. Total birds. On the tree. Okay. Is equal to how many beta? अब हमको यहाँ पे इनको addition करके find out करना है सम. ठीक है बेटा. So first line is 7 plus 7 first digit. Okay. So plus करो बेटा. 1 2 3 4 5 6 7 seven. Then again plus 7. 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so there is a 14. So I will write down here, beta, 4, and I will carry here one number. Fine. Now add these 10 digits, beta. First number is 1. 1 plus 9. How many, beta? 10. And 10 plus 9, 19. Okay. So write down here 19 का 9 and carry one number here. Okay beta. So now add these number beta. 1 plus 3, how many? 4. And 4 plus 5, 9. Okay, so answer is 994. Fine. So answer is beta 994 birds. तो total उस tree के ऊपर कितने birds थे बेटा? 994. Okay fine beta. Now turn the page for next question. Now beta question number 4. Okay, you have to do this question in homework. ओके, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है. ठीक है, आपको बुक में से क्वेश्चन रीड करके नोट डाउन करना है कॉपी के अंदर. ठीक है, लाइक दिस. सचिन काउंटेड. ओके, देन लास्ट टू वर्ड्स ही काउंटेड. देन क्वेश्चन मार्क. आपको इस तरह से क्वेश्चन लिखना है. ओके फाइन. देन सॉल्यूशन. ओके, सो यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन नंबर 4 इन होमवर्क. ओके फाइन बेटा. नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू डू अ टेबल, टेबल ऑफ 6. ओके, नाउ टर्न द पेज. नाउ राइट डाउन द हेडिंग बेटा. Table of 6. Okay. आपको आता है ना बेटा 6 का टेबल? आपने फर्स्ट में भी सीखा है ना? तो फर्स्टली यू विल राइट डाउन हियर TO. ओके, आई स्टार्ट विथ 6 जीरोज. ओके, फर्स्ट इज 6 जीरोज इज इक्वल टू 0. ओके, 6 ones are is equal to 6. ओके, 6 twos are is equal to 12. ओके, 6 threes are is equal to 18. 6 fours are is equal to 24. Okay, and 6 fives are is equal to 30. 6 sixes
answer is equal to 36. 6 sevens is equal to 42. 6 eights are 48. 6 nines are 54. And 6 tens are 60. Okay, beta. आपको लर्न करके जोर जोर से बोल बोल के 6 का टेबल अपनी नोटबुक में लिखना है. ठीक है बेटा. नाउ वंस अगेन रीड विद मी. 6 zeros are 0. 6 ones are 6. 6 twos are 12. 6 threes are 18. 6 fours are 24. 6 fives are 30. 6 sixes are 36. 6 sevens are 42. 6 eights are 48. 6 nines are 54. 6 tens are 60. Okay, beta. Now you have to complete all these work in your maths notebook. Okay, beta. Now that's all for today, beta. Thank you. Bye bye.